श्री कृष्ण राधे राधे। आज मैं जेठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा कह रही हूँ। इस कथा को बड़े भक्ति और ध्यान से सुनिए, इसका लाभ सुनिए। इस कथा के सुनने मात्र से जय श्री कृष्ण। निर्जला एकादशी। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन न करें। द्वादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र हो फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मण को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन जनना शौच और मरणा शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन तुम भी एकादशी को न खाया करो, किंतु मैं इन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभीष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन न करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ, एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुने मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूँ। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। व्यास जी ने कहा, भीम ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या याचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करें तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करें। इस प्रकार जब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें, वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय, विकराल आकृत और काले रंग वाले दंड पासधारी भयंकर जमदूत नहीं आते। अंतकाल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्रीहरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब इस एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में
कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान दान जप होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है, यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानो वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चंडाल के समान है और मरने पर दुर्गत को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे शराबी चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न वस्त्र गौ जल सया सुंदर आसन कमंडल तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धामन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूँगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध धूप पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। देव देव हृषि केशव संसारण अवतारक उदकुंभ प्रदानेन नय मां परमां गतिम संसार सागर से तारने वाले हे देव देव ऋषिकेश इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो अनामय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव एकादशी के नाम से विख्यात हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। एकादशी माता की जय।